हेलो फ्रेंड्स, आई एम पवन अलसर। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं MDT पे आपको 108 के केस कैसे क्लोज करना है। तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे ये ऐप दिख रही है, MPEMS ऐप। तो सबसे पहले हम इस ऐप को क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पर लिखा है संजीवनी 108, तो इसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर फिर व्हीकल नंबर डालेंगे, आपके जो भी व्हीकल नंबर है यहाँ पर आपको टाइप करना होगा। जैसे हमारा व्हीकल नंबर है CG, उसके बाद में 04MV6651, ये हमारे व्हीकल नंबर है। हाँ, यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे यहाँ पर आपको पायलट और EMT दोनों के नंबर डालना है। जो ऑन ड्यूटी EMT पायलट है उनके नंबर यहाँ पर आपको डालना है। जैसे कि हमारी ऑन ड्यूटी पायलट के नंबर है तो उनके हम डालेंगे यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर पासवर्ड फिल करना है, जो भी आपके पासवर्ड यहाँ पर। उसके बाद में नीचे करेंगे EMT के, यहाँ EMT के इसमें आप इस क्लिक करेंगे, मोबाइल डालेंगे EMT के। यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पे राइट के निशान पे क्लिक करेंगे। जैसे ही राइट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन, लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन के बाद में यहाँ पर यस लिखा हुआ, यस करेंगे। उसके बाद में जो भी आपका करेंट ओडोमीटर है उस करेंट ओडोमीटर डालना है यहाँ पर। जैसे कि डाल लेता हूँ मैं राइट के निशान, फिर ऐड फोटो, आपके करेंट ओडोमीटर की फ़ोटो देना है यहाँ पर। कैमरा ऑन करना है, उसके बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर राइट के निशान पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है चेक इन इक्विपमेंट्स अकाउंट, हैंडओवर लेते समय आप ये सब चीज़ें ध्यान देना है। तो यहाँ पर यस यस करेंगे हम, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ जैसे कि अब लिखा हुआ है, जैसे कि हमको केस असाइन हुआ है, तो जैसे ID असाइन होती है फिर उस यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे कि आप केस मिलता है तो यहाँ पर आप एक्नॉलेजमेंट में क्लिक करेंगे। ID साइन होने के बाद यहाँ पर यस करेंगे। जैसे ही आपकी गाड़ी स्टार्ट हुई है बेस लोकेशन पे, तो स्टार्ट फ्रॉम बेस लोकेशन करेंगे, यहाँ पर यस क्लिक करेंगे। जैसे कि आप सीन पे पहुँचते हैं, आपको लाइव क्लोजिंग करवानी है। इस पर एक चीज़ ध्यान देना है कि लाइव क्लोजिंग आपको करवानी है। जैसे हम सीन पे पहुँचे घटना स्थल पर, तो यहाँ पर एड सीन लिखा हुआ है, एड सीन पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यस पर करेंगे। उसके बाद में यहाँ पेशेंट, जैसे कि पेशेंट आ गया है और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे पेशेंट, पेशेंट आ रहा है तो यस कीजिए, नहीं आ रहा है तो नो कीजिए, हमारा पेशेंट अवेलेबल है तो यस करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हॉस्पिटल सिलेक्ट करेंगे कि किस हॉस्पिटल हम यहाँ पे, अभी यहाँ पर जैसे कि हमको रेफ़र मिला है राजपुर से बड़वानी के लिए, तो हम हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बड़वानी सिलेक्ट है। और आपको कभी उधर कभी सिलेक्ट करना है तो आप देख सकते हो, आपकी जो भी हॉस्पिटल है आ जाएगी यहाँ पर, सिलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर जैसे पेशेंट बिठाने के बाद फ्रॉम सीन, सीन में जैसे निकल रहे हो सीन से, यहाँ फ्रॉम सीन करेंगे, यहाँ यस करेंगे। उसके बाद में यहाँ ऐड पेशेंट डिटेल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पेशेंट इंफॉर्मेशन लिखी है इस पर क्लिक करेंगे, पेशेंट की डिटेल चेक करेंगे। जैसे कि हमारी पेशेंट नाम है सुमन, तो हम सुमन फिल करा हुआ है, सही है। सरनेम पता तो ठीक है, अब डाल दीजिए नहीं तो जी उस इनकी। फिर पेशेंट की एज है, जैसे हमारी 56 है, इसमें गलत मेंशन है। आपको ब्लड ग्रुप या आयुष्मान ID पता है तो ठीक है। और यहाँ पर अब डालेंगे PCR लॉग बुक एंड PCF, तो हमारे PCF नंबर है 1408177। यहाँ से बैक जाएंगे, यहाँ पर पेशेंट कमिंग टू हॉस्पिटल, पेशेंट हॉस्पिटल जा रहा है तो यस कीजिए, यहाँ सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इसके बाद में हम यहाँ पर हम जाएंगे मेडिसिन एंड कंज्यूमर, तो इसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप कुछ मेडिसिन दे रहे हो, एड्रेनालिन एट्रोपिन, जो भी आप मेडिसिन दे रहे हो पेशेंट को, तो हमें क्वांटिटी डाल सकते हैं। हमने कुछ ऐसे पेशेंट को कुछ दिया नहीं है, तो हम यहाँ से बैग जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर लिखा है पेशेंट असिस्टमेंट, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद में यहाँ लिखा है पेशेंट लेवल ऑफ कॉन्शियंस, तो आपका पेशेंट अनकॉन्शियंस है, पेन है, या अन रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स दे रहा है, तो हमारा पेशेंट अलर्ट है। तो यहाँ
एयरवे का पूछ रहा था, हमारे पेशेंट का एयरवे ओपन था। उसके बाद में यहाँ पर लिखा है ब्रीथिंग, अबसेंट है, प्रेजेंट है, जो भी हमारी ब्रीथिंग प्रेजेंट थी। यहाँ पर ब्रीथिंग डालना है, हमारे पेशेंट की ब्रीथिंग थी 87। उसके बाद में लिखा है ऑक्सीजन सेचुरेशन, तो हमारा नॉर्मल पेशेंट की सेचुरेशन होता है 95 से 100 तक, तो हमारे पेशेंट के 97। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, 97 डालेंगे। उसके बाद में लिखा है BASL, ब्लड शुगर लेवल, तो हमारे पेशेंट की ब्लड शुगर लेवल है इसमें 89 है, और नॉर्मल पेशेंट की होती है 70 से 99 होती है। और इसमें लिखा है GCS, GCS का मतलब होता है ग्लासगो कोमा स्केल, तो हम यहाँ पर जाएंगे, स्केल है तो नॉर्मल होती है 11 से 15, तो हमारे पेशेंट की है 13। तो फिर उसके बाद में नीचे लिखा है पीपल्स, पीपल्स हमारे दोनों लेफ्ट राइट नॉर्मल है पेशेंट की, तो हम नॉर्मल करेंगे यहाँ पर। उसके बाद में नीचे जाएंगे, उसके बाद में नीचे जाएंगे पल्स प्रेजेंट, तो यहाँ राइट के निशान करेंगे, और हमारे पेशेंट की पल्स तो नॉर्मल पेशेंट की होती है 60 से 100 तक होती है, हमारे पेशेंट की 74। उसके यहाँ पर राइट निशान करेंगे, रेडियल प्रेजेंट है। उसके बाद में RR का मतलब होता है रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन नॉर्मल होता है 12 से 16, तो हमारे पेशेंट की है 16। फिर ब्लड प्रेशर, इसमें BP बोला जाता है, तो नॉर्मल पेशेंट की होती है 90 से 120 सिस्टोलिक, और डायलोस्टिक होती है 60 से 80, तो हमारे पेशेंट की है नॉर्मली है 120 से 80 है। फिर नीचे एक बार पेक जाएंगे, यहाँ पर टेम्परेचर, टेम्परेचर 99 है, बेक करेंगे, यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने क्या क्या यूज़ लिया, जैसे हमने स्ट्रेचर का यूज़ लिया है, और आपने कुछ सक्शन किया है, जो भी किया है, यहाँ पर आप राइट निशान कर सकते हैं। पास्ट हिस्ट्री मेडिकल, इसमें कुछ उसकी बीमारी है तो आप डाल सकते हो, कुछ नहीं, हमारा पेशेंट था चेस्ट पेन का था, यहाँ पर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में, उसके बाद में यहाँ से हम बैक जाएंगे। बैग जाने के बाद में जैसे हम हॉस्पिटल पहुंच गए, तो यहाँ पर एट हॉस्पिटल के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर यस करेंगे। उसके बाद में पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, उसके बाद में हम हैंडओवर हो गया है पेशेंट का, तो यहाँ पर हम पेशेंट हैंडओवर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पायलट पैरामीटर्स में आएंगे, यहाँ पर पेशेंट हैंडओवर की डिटेल डालेंगे। यहाँ पर केस टाइप, जैसे कि हमारा पेशेंट हमको मिला था मेडिकल का, तो हम यहाँ पर मेडिकल, आपका जो भी पेशेंट जो भी मिला है हमको, मेडिकल का पेशेंट मिला था, हम सबमिट करेंगे, यहाँ पर लिखा है। उसके बाद में यहाँ पर जाएंगे, चेस्ट पेन का हमको मिला था, तो हम चेस्ट पेन इसमें सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसमें पेशेंट स्टेटस है, पेशेंट जैसा है वैसा मिला है कि कुछ सुधार हुआ है, तो हमारा पेशेंट जैसा था वैसा ही है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, इम्प्रूव हुआ है क्या हुआ है। यहाँ पर फिर हम पेशेंट की ओपीडी, जो भी है हमारी पेशेंट की ओपीडी है 9289, तो हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ से हम बैक जाएंगे, स्काइप करेंगे यहाँ से, उसके बाद में यहाँ से बैक जाएंगे, बैक टू बेस लोकेशन आ गए, तो हम बैक टू बेस लोकेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर यस करेंगे। उसके बाद में पायलट पैरामीटर्स में जाएंगे, यहाँ पर आपको फ़ोटो देना है PCR की, तो आप एड फोटो पे करेंगे, कैमरे पे जाएंगे, और ये एग्जांपल के लिए अब हम इसमें क्या है, PCF की आपको फ़ोटो देना है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पर राइट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ सबमिट का ऑप्शन दबाएंगे। उसके बाद में एक पेशेंट है, उनके दो PCF भरा है तो यस कीजिए, और एक ही पेशेंट है तो यहाँ पर नो करना है। उसके बाद में ये जो टाइमिंग है, आप लाइव क्लोजिंग करवा रहे तो आपको ओनली ऑटो डालने का रहेगा, क्योंकि हम पेंडिंग हमारा केस है आपको बताने के लिए, तो हम यहाँ से थोड़ा चेंज करेंगे टाइम। आप लाइव क्लोजिंग कर रहे तो आपको टाइम फिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे ऑडोमीटर डालना है, तो हम चलो, क्योंकि हमने अब पेंडिंग केस है हमारा, तो हम यहाँ से चेंज करते हैं। 7 तारीख का केस है, हमको केस असाइन हुआ था, तो हम यहाँ कर ऑर्डर डालेंगे यहाँ पर 4677।
5, उसके बाद में स्टार्ट फ्रॉम बेस लोकेशन, हमने गाड़ी स्टार्ट की थी, उसके बाद में ऑटो वही आएगा। उसके बाद में हम सीन पे पहुंच गए थे, एट सीन। सीन पे पहुंचने का समय हमारा है 11:29, तो हम 11:29 को हम सीन पे पहुंच गए थे। सीन पे पहुंचने का ऑटो है 4677, तो हम राइट निशन करेंगे फ्रॉम सीन। सीन से कितनी बजे निकले तो हम वो डालेंगे यहाँ पर समय। हम सीन से निकल गए थे 11:46 पे, तो हम यहाँ पर फील करेंगे। उसके बाद में फ्रॉम सीन ओडोमीटर डालेंगे 4677, राइट के निशान करेंगे। एट हॉस्पिटल, हॉस्पिटल हम कितनी बजे पहुँचे थे तो वो हम टाइम फिल करेंगे यहाँ पर। हॉस्पिटल हम पहुँच गए थे 12:32 पे, तो हम 12:32 यहाँ पर फिर यहाँ सेलेक्ट करेंगे। हॉस्पिटल का ऑडोमीटर डालेंगे, जैसे हमारा ऑटो है 4689 राइट निशान पे क्लिक करेंगे। पेशेंट हैंडओवर, हैंडओवर कितनी बजे दिया है तो वो टाइम डालेंगे हम 12:45 पे हमने हैंडओवर कर दिया था। उसके बाद में पेशेंट हैंडओवर ऑडोमीटर डालेंगे 4689। उसके बाद में बैक टू बेस लोकेशन में हम कब आए थे तो हम वो वाला समय डालेंगे। हम जैसे कि 13:57 पे हम बैक टू बेस आ गए थे, वापस हमारी लोकेशन पे, तो हम वो समय डालेंगे। आपका जो भी समय वो डालिए, ऑडोमीटर बैक टू बेस का डालना है, और लाइव क्लोजिंग करवानी है आपको। सब आपको टाइम डालने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आप टाइम आपको सिर्फ ऑडो फिल करना रहेगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो यहाँ बैक टू बेस लोकेशन ऑडोमीटर है यहाँ पर डालने के बाद, उसके बाद में इसे ऊपर जाना है, यहाँ पर भी आपको वही डालना है जो नीचे लास्ट ऑडो आपका है, जैसे 4684 हमारा था। तो आपको यहाँ पर रिमार्क में मेंशन करना है, जैसे कि जैसे हमको CSC राजपुर से डिस्टर्ब बनवाने के लिए रेफ़र मिला है, तो हम यहाँ पर डाल देंगे कि कहाँ से कहाँ के लिए था, या आप लेट हो रहे हो या कुछ हो रहा हो तो रिमार्क मेंशन कर सकते हो। कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, यहाँ राइट के निशान क्लिक करेंगे, यहाँ पर सबमिट पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, गो टू डैशबोर्ड में जाएंगे, तो ये हमारा केस कंप्लीट हो गया है। तो आपको कुछ भी समस्या आ रही हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।